सभी का स्वागत करती हूँ एक बहुत ही अच्छे शो यानी खास मुलाकात में, जहाँ पे आज हमारे साथ एक ऐसी मूवी की स्टार कास्ट आई है जो बहुत ही ज्यादा हाउसफुल चल रही है। पिछले 4 हफ्तों से थिएटर्स में हाउसफुल चलने वाली मूवी जयंती के स्टार कास्ट हमारे साथ है। इसके जो डायरेक्टर है शैलेश नरवाड़े सर, डायरेक्टर के साथ साथ इन्होंने लिखा भी है, राइटर भी है, साथ ही इसके एक्टर मेन लीड एक्टर रुतराज वानखेड़े भी हमारे साथ है। यार तो जोरदार, मतलब ऐसे तालियां तो नहीं कहना चाहिए, खैर हम तालियां बजा नहीं सकते, बट हाँ फिर भी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। कहीं ना कहीं पिछले 4 हफ्तों से जयंती बहुत ज़्यादा हाउसफुल चल रही है, ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि हमारे देश के बाहर भी जयंती रिलीज हुई है और वहाँ पे भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स जयंती को मिल रहा है। तो शैली सर, आपसे जानना चाहूँगी कि कैसी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं नागपुर में बनी हुई फिल्म और ऑलमोस्ट जो कैरेक्टर्स हैं वो नागपुर के हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपसे जानना चाहती हूँ। हमारी टीम बहुत एक्साइटेड है, खुश है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस हमें पहले भी था कि जब फिल्म बाहर आएगी लोगों के सामने तो लोग उसे काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, और वही हुआ है। और आप जब अच्छा कंटेंट लेके लोगों के सामने आते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहली बार कर रहे हैं या बार बार आप इस्टेब्लिश है। और यही रीज़न है कि हमारे सभी फिल्म के कलाकार और जिन्होंने भी काम किया है पर्दे के पीछे, पर्दे पर, वो सभी लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ओके, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि अगर कंसेप्ट अच्छा हो, स्टोरी अच्छा हो, तो जरूरत नहीं पड़ती है कि वो फर्स्ट टाइम है कि बहुत बार आ चुकी है, लोग उसको रिस्पांस दे ही देते हैं। और ऐसा ही कुछ जयंती को भी मिल रहा है, 4 हफ्ते हाउसफुल, बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स। कहीं ना कहीं रुतराज, आपसे जानना चाहती हूँ पहली फिल्म आपकी, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतना तो यानी कंटेंट पे हमें विश्वास था, हमें लगा था कि ये स्टोरी अच्छी लगेगी लोगों को, पर ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल रहा है, यानी नासिक से लेके मुंबई से लेके नागपुर तक सब तरफ। मोस्टली ऐसा देखा नहीं था मैंने भी, क्योंकि मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, तो जैसे लिबर्टी टॉकीज या फिर अलंका टॉकीज, इसमें मैंने कभी आज तक मराठी मूवी नहीं देखी। उसके 4 शोज़ वहाँ पर चल रहे हैं और वो रिस्पांस बढ़ रहा है, जैसे वीक थर्ड वीक फोर्थ वीक में वो स्क्रीन्स बढ़ रही है हमारी, जबकि कम होती है। तो ये एक रिस्पांस है। उसके बाद कल ही मैंने पोस्ट शेयर की थी, टोरंटो के फॉक्स थिएटर में अपना मूवी लगा है, और वो टाइटलिंग और वो नाम देख के मुझे भी एक ऐसी फीलिंग आई कि एटलीस्ट वो बोलते हैं ना कि व्हेन यू आर लोकल यू आर ग्लोबल, तो जो स्टोरी है वो इतनी कनेक्टिंग है, इसीलिए वो ग्लोबली भी अप्रिशिएट हो रही है। ओके, रुतराज, कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी जो है वो बहुत ही ज्यादा कनेक्टिंग है, तो कभी ऐसा हुआ कि आप प्रमोशन में जा रहे हैं या फिर किसी थिएटर में वगैरह, तो किसी ने बोला हो आपको यार यहाँ पे ना मैंने बहुत रिलेट कर लिया, मतलब मैं भी ऐसा ही हूँ, या फिर ये मुझे बहुत कनेक्ट करती है, ऐसा कोई इंसिडेंट? इसका तो 100% ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी हर सिटी में जा जब भी मैं गया सरप्राइज विजिट की, तो कोई ना कोई मिलता है, वो बोलता है कि ये मेरी स्टोरी है। अच्छा। ये संत्या, मैं रियल संत्या हूँ, आप रील के संत्या हो, तो वो मेरे साथ फिर फोटो निकालता है, और ये 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। और उससे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है कि वो ये नहीं कहते कि हम इंटरवल वाले हैं, हम कहते हैं कि एंडिंग तक जो संत्या तो संतोष हुआ है वो हमारे साथ हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा कनेक्ट किया लोगों ने, और शायद कनेक्ट किया इसलिए इतना ज्यादा इसका ह्यूज रिस्पांस जो इसको मिल रहा है कहीं ना कहीं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसमें आपका ट्रांजिशन है, मतलब बैड बॉय से गुड बॉय, ऐसा ट्रांजिशन है, तो जब आपने इसमें एक्टिंग की तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि एक सेट रहता है कि ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ही जाना है हमको, पर आपको ट्रांजिशन करना पड़ा, तो वो ट्रांजिशन कैसा था इस बारे में जानना चाहती हूँ। ट्रांजिशन के बारे में जब मैंने स्टोरी पढ़ी थी तो एक मुझे ऐसा लगा था कि वही नॉर्मल गुड बॉय बॉय बैड बॉय है, तो पहले बैड रहेगा और बाद में गुड रहेगा। देन सर इतने फोकस थे उस बारे में, तो सर से मेरी जब डिस्कशन हुआ तो सर ने मुझे बताया कि देखो जिंदगी में या फिर लाइफ में फिजिबल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, हर बार लोग नहीं बदलते, उनकी हरकतें या फिर उनके व्यवहार बदलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा कारगर रहा मेरे लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उनकी उसकी भाषा नहीं बदली है, उसके उसका एक
वे ऑफ एक्सप्रेशन बदला है, थिंकिंग बदली है, और वो बहुत ज़्यादा इसीलिए रिलेट हो पा रहा है क्योंकि जो लड़का जो किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ गलत काम कर रहा है और जिसको किसी का डर नहीं है, वो भी और टपरी पे या फिर लड़कियों से जो भी छेड़खानी कर रहा है, वो भी एक आज ये फिल्म देखने के बाद उसे भी लगता है कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा। उसे ये नहीं लग रहा है कि इसके लिए तो मुझे बहुत कुछ पापड़ बेलना पड़ेगा और बहुत कुछ कुछ करना पड़ेगा, तो वो एक फिजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी आई है इसमें। ओके चलिए सर, कहीं ना कहीं 4 हफ्ते हाउसफुल और पूरा जो है इसमें विदर्भ का टच है, जैसी लैंग्वेज नागपुर में वगैरह बोली जाती है वैसा ही पूरा है, तो कहीं ना कहीं लोग यूजुअली ट्राई करते हैं कि एकदम प्रॉपर स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो मूवी की। आपने सोचा कि विदर्भ का कनेक्शन हो, जो भाषा है जो एक्चुअली बोली भाषा जो लोगों को बोली जाती है, लोग पसंद करते बोलते हैं, वही आपने सोचा, तो कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया, इस बारे में जानना चाहती हूँ। नहीं, हर स्टोरी का अपना एक नेचुरल डिमांड होता है, मतलब हम जब लिखना शुरू करते हैं तो कुछ चीज़ें अपने आप होती है, हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी होती, ज़बरदस्ती करेंगे तो वो आर्टिफिशियलनेस आती है उसमें, तो जो अपने आप जो सोचता है, मतलब कोई एक कैरेक्टर मिला फिर उसकी कहानी मिली और अब जब वो कैरेक्टर बोलने लग रहा है तो वो सबसे पहले कौन सी भाषा में बोल रहा है वो हमें सुनाई देता है कि अच्छा ये इसकी भाषा है, ये हम चूज़ नहीं करते, वो कैरेक्टर खुद उसकी भाषा चूज़ करता है। और मुझे लगा कि संत्या ये भाषा ये उसने चूज किया है, हाँ। ना ये राइटर ने चूज नहीं किया, ये कैरेक्टर ने चूज किया है। और रही लैंग्वेज, तो ये पूरी फिल्म जो है वो एक लैंग्वेज में नहीं है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो वो लैंग्वेज बोल रहे हैं विदर्भ की जो है वो, और कुछ कैरेक्टर्स वो लैंग्वेज बोल रहे हैं जो सभी तरफ भी बोली जाती है। और यही कारण है कि ये फिल्म जब मुंबई और पुणे में लोग देख रहे थे, तो वहाँ पे हमने लोगों ने बोला कि ये हमें पुणे की फिल्म लग रही है, ये हमें मतलब उनको लग रहा था कि हमने शायद मुंबई में शूट किया है या पुणे में शूट किया, नासिक में शूट किया। तो ये उसकी खासियत है कि लैंग्वेज भले ही किसी एक पर्टिकुलर एरिया का होगा लेकिन फिल्म सभी को अपनी शहर की लग रही है। ओके मतलब कहीं ना कहीं ये हम नागपुर वासियों के लिए भी जयंती एक बहुत ही ज्यादा प्राउड फीलिंग है, जिस तरीके से कहा जा रहा है लोकांचा हक्कासा सन, कहीं ना कहीं लोग उस सेलिब्रेट कर रहे हैं उस मतलब एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि जयंती के आने के बाद कहीं ना कहीं फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। वेल ऋतुराज, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से ऋतुराज एक्चुअली है और जैसा संत्या है, तो क्या एक दूसरे जैसे है वो या फिर पूरे डिफरेंट है? मैं तो कहूँगा कि इस कैरेक्टर से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो कैरेक्टर है एवरी शेड आपको दिखेगा वहाँ पे। अच्छा। और इसीलिए वो अपीलिंग हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी शेड्स है और जो भी एक गिल्ट होता है, एक एक क्या बिंदास पना होता है, और उसके बाद जो उसका करियर जो यानी जो भी है, ये सारे इमोशंस है उसमें। अच्छा। तो ये तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं जो जितने भी साल मैंने ज़िंदगी जिया हूँ, ये कैरेक्टर ने मुझे एक महीने में या दो महीने में पूरी राउंड लूप में चला गया। और इट्स फेनोमेनन कि जो उसने किया है वो शायद मैं भी करना चाहूँगा, ये एक क्या बोलते हैं उसे कि एक मुझे इंस्पिरेशन है कि वो अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, ये मुझे क्वेश्चन आया ये कैरेक्टर करने के बाद कि उसे तो उतनी उपलब्ध सुविधाएं नहीं थी, उसका एक मेंटर नहीं था, एक सराउंडिंग्स वैसी नहीं थी, फिर भी अगर वो कर सकता है तो हमको तो सब मिला है। तो अगर हमारी स्टार्टिंग इस लेवल पे हुई है तो हमने क्यों नहीं एलिवेट करना चाहिए। तो इतना सुपर्ब कैरेक्टर था वो, तो मैं तो चाहूंगा कि मैं वैसा कुछ करूं। अच्छा। we both are totally different. ओके सर, आपसे जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं कोरोना का स्पैन हमने देखा, और उसके पहले शायद ये जो मूवी है वो शूट हो गई थी, उसके बाद 2 महीने का 2 साल का जो है टाइम बीता, उसके बाद इसको रिलीज किया गया, तो इस टाइम में मतलब आपको कभी लगा कि यार इतने टाइम के बाद आ रही है मूवी, एक्साइटमेंट कैसा था, डर लग रहा था, क्या क्या फीलिंग थी आपकी तब? एक्साइटमेंट ही था, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमें कॉन्फिडेंस था इस बात पे कि हम जो लेके आ रहे हैं वो लोगों को पसंद आएगा। जो आप फिल्म की शूट कंप्लीट हुई फरवरी 2020 में। पहला रफ कट जो आया वो मार्च 2020 में आया, और उसी महीने में लॉकडाउन लगा,
तो 1.5 साल लगभग कुछ भी नहीं हुआ, हमारा काम धीरे धीरे शुरू था और हम लोग 2-3 डेट ऑलरेडी डिसाइड कर लिए। हमें लग रहा था कि ये 2-3 महीने में कोरोना चले जाएगा, और फिर चला जाएगा। एक एक डेट थी अप्रैल की थी, फिर नवंबर की थी, दिसंबर, ऐसा करते करते। लेकिन जब फाइनली आया तो मतलब उस वक्त ये भी ऑप्शंस थे कि क्या हम OTT पे जाएंगे, लेकिन फिल्म जो है ये थिएटर वाली फिल्म थी। आज जो लोग थिएटर में देखकर सीटी बजा रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, तो ये शायद OTT पे लोग उस तरीके से एंजॉय नहीं नहीं किए, कर पाते। और वो डिसीजन हमारा शायद सही था, क्योंकि आज लोगों के साथ में जब हम फिल्म देखते हैं तो लोग बहुत अलग तरीके से वो फिल्म एंजॉय कर रहे हैं। तो बड़ा एक्साइटमेंट था और डर नहीं लगा कभी भी, क्योंकि वही कॉन्फिडेंस था सभी को। और आज लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे वो एक्साइटमेंट और डबल हो गई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, तो ऐसा होता है ना कि आप आपके हीरो या जो लीड में होते हैं उनको समझाते हैं स्टार्स को ऐसे ऐसे, तो कभी ऐसा एक्सीडेंट आया कि ऋतुराज ने कोई सीन अच्छे से नहीं किया और आपने उसके बाद उनको बहुत डांटा, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ। मतलब फिल्म में अभी आप देखेंगे तो सभी सीन बहुत अच्छे बन पड़े हैं, सभी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। नागपुर से जितने आर्टिस्ट हैं उन सभी ने उन लोगों के बराबरी का काम किया है जो एस्टेब्लिश एक्टर्स है, जैसे मुंबई से जो एक्टर्स आए थे तो उन्हीं के ताकत का, उन्हीं के बराबरी का काम सभी ने किया है यहाँ पर। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक्टर को मुझे कुछ ऐसा बोलना पड़ा कि अच्छा काम नहीं हुआ है करके। ऋतुराज, ऐसा कोई सीन जो आपको लगा यार ये बहुत हार्ड है यार वो नहीं रहा है, उसके बाद सर ने समझा कि इसको ऐसे करो फिर ये होगा और वो वैसे इंप्लीमेंट, ऐसा कोई? हाँ, वो तो मैंने ऐसे तो बहुत से सीन्स थे, क्योंकि कुछ कुछ डायलॉग जैसे ट्रेलर में भी देखोगे आप तो ही इज इंटेंस गुस्से में है वो, और उसका दोस्त जब बोल रहा है कि तू कहाँ जा रहा है, अच्छा वो कुछ रिवील नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि कुतरा मारा ले। इट्स लाइक बहुत डिफिकल्टीज थी, तो बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई, और हमारी वर्कशॉप्स में जो सर तो बोल रहे हैं अभी कि कुछ हमने डाटा नहीं, पर सर ने वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी दी थी, अच्छा और हम लोगों ने बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं सर को और एग्जैक्ट आंसर मिला है। ओके क्योंकि क्या होता है ना, एक्टर जब उसके उसे काम मिलता है तब उसके हाथ में स्क्रिप्ट आती है, ओके पर राइटर उसको जीता है, वो क्रिएट करता है, और सर ही राइटर थे और डायरेक्टर थे तो उनको पता था कि क्या करना है और क्या नहीं। उसके बाद तो ये जो सीन्स के डायलॉग्स थे ये बहुत ज़्यादा ये थे, और उसके बाद आखिरी जो सीन था, मैं रिवील नहीं करूँगा, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। एंड ओवरऑल प्रोसेस कि अगर कोई प्रोटोगनिस्ट है जो किसी को डरता नहीं है वो किससे डरेगा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था मेरे लिए। और पर जब जब सर ने बताया कि वो डर नहीं है, वो गिल्ट है खुद का कि जो भी है, मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा ज़्यादा, पर आखिरी सीन भी बहुत ज़्यादा, जब आप देखोगे तो आपको समझेगा, इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट सीन फॉर मी, और पर वो क्लियरिटी इतनी थी तो वो हो गया, बन पड़ा वो। हो गया। हाँ 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 ओके तो फिर अगर हम आपकी फेवरेट सीन की बात करते हैं तो क्या वही आपका फेवरेट सीन है या फिर मूवी में कोई आपका ऐसा फेवरेट सीन? फेवरेट सीन मेरे हर हर सीन फेवरेट है, क्योंकि हर सीन में मैं हूँ, और हर सीन मैं वही बोल रहा था कि संध्या के इतने अलग अलग शेड्स है इसमें, तो मुझे एक भी सीन ऐसा नहीं लगा, ये सर की लिखने की या फिर डायरेक्शन की खासियत होगी कि मुझे हर बार लगा कि मैं कुछ तो भी और एक्सप्लोर कर रहा हूँ उस कैरेक्टर का, तो हर सीन है जो कुछ ना कुछ अलग बोल रहा था उस कैरेक्टर के बारे में, तो हर सीन मेरा फेवरेट है। असली सर आपसे जानना चाहती थी ना कि ये जो मूवी की लिखने की प्रोसेस या फिर बनने की प्रोसेस, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रगल पॉइंट आए होंगे, तो ऐसा कोई एक पॉइंट जो आप हमें बताना चाहते हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं भूल चुका हूँ उनको, अभी याद नहीं आ रहे, क्योंकि जो रिस्पांस हमें मिल रहा है उसने सभी वो स्ट्रगल या जो चैलेंजेस थे उसको भुला दिया है। अलग अलग टर्म्स में थे, जैसे फिल्म जिस जिस भी स्टेज में रही है उस लेवल पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस थे। प्री प्रोडक्शन के टाइम पे फाइनेंस रेस करने का था, प्रोडक्शन के टाइम पे बारिश का चैलेंज था, पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पे कोरोना का चैलेंज था, और अब रिलीज के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज है। तो चैलेंजेस हर का ही है, लेकिन हम उसको फेस कर रहे हैं एंड वी आर इमर्जिंग एज अ विनर। यस, एक्चुअली जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग और वो दिख रहा है क्योंकि वो इतनी ज्यादा चल रही है कहीं ना कहीं। ऋतुराज, आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपने फर्स्ट टाइम खुद को थिएटर में देखा,
फीलिंग कैसी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट फिल्म आपकी, तो कैसा माहौल था, कैसा कैसा लग रहा था आपको कि जब आप खुद को इतनी बड़े पर्दे पर देख रहे हो, हाउ वाज द फीलिंग? वो बहुत ही ओवरवेलमिंग एंड इट वाज लाइक के, पर उसमें दो पार्ट्स है एक्चुअली. मैंने फिल्म देखा प्रीमियर में. अच्छा. जब 12 को रिलीज होने वाला था, 12 नवंबर को. okay. मैंने 10 नवंबर को देखा. okay. तो बहुत ज़्यादा मिक्स रिएक्शंस थी. अच्छा. और पहली बार तो मैं पहली बार देख रहा था क्योंकि इनसिंग साउंड था, तो डबिंग में भी कुछ देख नहीं पाया. अच्छा. डबिंग निकली नहीं क्योंकि इनसिंग साउंड था. okay. तो पूरा का पूरा जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो मैं पहली बार देख रहा था, जो कि 10 तारीख को देखा मैंने. तो एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, एक नर्वसनेस थी कि लोग कैसे रिसीव करेंगे, क्या करेंगे. मैं तो खुद को ही देख रहा था और बस इतने बड़े स्क्रीन पे देख के बस मैं खो गया और मुझे कुछ नहीं समझा फिल्म और क्या चल रहा है और कुछ नहीं, बस मैं देख रहा था. और बाद में एक थोड़ी सी एक क्या बोलते हैं उसे कि एक ये था कि लोग कैसा रिसीव करेंगे. okay. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्मर का यही सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि अगर मुझे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी भी लगे पर अगर लोगों को नहीं लगे. okay. तो वो मैटर नहीं करता है. हाँ. तो वो बहुत ज़्यादा था कि 12 तारीख कब आएगी, लोग देखेंगे फिर फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा. हाँ. और क्या नहीं होगा, रिव्यूज़ क्या आएंगे. और, बहुत अच्छे आ गए. और वो जो था उसके बाद सेकेंड पार्ट वहाँ से ही चालू होता है कि जब रिव्यूज़ आए और हम जब लाइव, यानी मुझे लगता है कि ऐसा अब तक किसी ने नहीं किया होगा क्योंकि मुझे पिक्चर से ही पहचान मिली. मुंबई में मैं गया और थिएटर में सरप्राइजिंगली मैं विजिट कर रहे थे हम, और डायरेक्टली हम पूछ रहे थे कि फिल्म कैसी लगी, तो लोगों का रिस्पांस जो नेचुरल था. उसके बाद संत्या कैसा लगा, तो लोग चिल्ला रहे हैं और वो एक जो फील था कि एक्सेप्ट हो गया है एटलीस्ट, जो हमें कहना था वो लोगों तक पहुँच रहा है. तो वो तो बहुत ही ज़्यादा, और ये कंटिन्यूसली 23rd-24th डे को भी यही सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है. okay. जब भी मैं थिएटर में जा रहा हूँ तो लोग चिल्ला रहे हैं खुशी से, एक भी खुद से बोल रहे हैं. तो ये तो बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग थी. ओके. कहीं ना कहीं संत्या जो है वो हर किसी के दिल में बस गया. साथ ही इस मूवी के गाने भी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आए. सर ये सब क्या बताएंगे आप, मतलब अगर आपको किसी एक गाने में चूज करना हो कि यार ये मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है, तो आप क्या बताएंगे और किस तरीके से गानों के बारे में जो सोचा गया था उस बारे में जानना चाहती हूँ. गानों के, क्योंकि सॉन्ग्स ये पहला काम था जो स्क्रिप्ट के बाद में शुरू हुआ. हाँ. और मैं बहुत उसमें क्लियर था कि जयंती के गाने ये नॉर्मल मराठी फिल्म के गानों के जैसे नहीं चाहिए मुझे. हाँ. मुझे बहुत एक रिफ्रेशिंग म्यूजिक चाहिए था. और जब गानों का ड्राफ्ट आया, फिर रूही ने कंपोजिशन स्टार्ट किया, तो तब मुझे समझ, हाँ पहले ही जो एक रफ कट आया था. हाँ. मुझे समझ गया कि ये, हाँ ये वो गाने अब बन रहे हैं जो मुझे चाहिए थे. अच्छा. मेरे फेवरेट सॉन्ग की अगर बात करूँ तो तुला वंदनाची ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है. अच्छा. क्योंकि जब वो गाने पे हम काम कर रहे थे तो वो मुझे खुद गिल्ट फील दे रहा था, तो मुझे लगा था कि ये गाना अच्छों अच्छों को सीधा करेगा. और वो हुआ है, वो हुआ है. तो दैट इज माई फेवरेट सॉन्ग. ओके. चलिए सर एक क्वेश्चन और आपसे था कि कहीं ना कहीं शिक्षा को प्रमोट करता है ये मूवी कहीं ना कहीं, तो आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जो शिक्षा नहीं ले पाते या फिर कुछ कारणोंवश उनके साथ दिक्कतें हो जाती है, तो ऐसे लोगों को आप क्या अपील करेंगे जयंती के माध्यम से, BCN के माध्यम से? शिक्षा का मतलब सिर्फ वो शिक्षा नहीं होती जो हम स्कूल कॉलेज में लेते हैं. हम कहीं जहाँ पर भी है वहाँ पर शिक्षा ले सकते हैं. सारा साहित्य, सारा जो मटेरियल होता है पढ़ने का, मतलब अखबार पढ़ना भी अपने आप में अपने आप को एजुकेट करने जैसा है. हाँ. तो वो इच्छा पहले तो होनी चाहिए. और शिक्षा लेना मतलब ये सर्टिफिकेट नहीं होता है. कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप शिक्षित है, ऐसा नहीं होता. मैंने बड़े बड़े ऐसे देखे जिनके पास डिग्रीज है लेकिन समझ नहीं होती. okay. शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप किसी भी बात पर विश्वास करने के पहले आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि वो बात सही है या नहीं है. okay. ये परखने की जो शक्ति होती है मुझे लगता है वो सही शिक्षा है. Actually, कोई भी बात. हाँ. मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और आप आंखें मूंद कर उस पर विश्वास कर रहे हैं, या आप मुझे कुछ बता रहे हैं मैं आंखें मूंद कर, तो वो अशिक्षित आदमी ही ऐसा कर सकता. okay. है. तो उतनी समझ इसमें आ गई है वो शिक्षित है. ओके. ऋतुराज एक आखिरी सवाल कि जयंती वैसे तो हाउसफुल चली रही है पर फिर भी आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको क्या अपील करेंगे BCN के माध्यम से? मैं यही अपील करूंगा कि हमारी फिल्म यू सर्टिफिकेट है, तो 10 साल से लेके
यानी वृद्धा जो लोग है 60 तक सभी देख सकते हैं इसीलिए। और लड़कों को बोलूँगा कि मुझे तो ऐसे रिप्लाई आ रहे हैं कि वो मैं आपसे साझा करूँगा कि एक लड़का था जो बोल रहा था कि उसका रिप्लाई आया है मुझे कि I lost my father 3 months ago एंड मैं 1 महीने से घर में ही था। मेरी माँ मुझे बोल रही थी कि 7 दिन से फोर्स कर रही थी कि ये मूवी देखो। अच्छा। और उसका रिप्लाई ये था और उसके बाद जब उसने देखा तो मुझे जीने की एक नई उम्मीद नज़र आई। ओके। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। और ये उसे वो जो भी महसूस हुआ वो क्या महसूस हुआ अगर ये आपको भी जानना है तो जरूर जरूर जयंती देखिए। एक्चुअली जरूर जरूर जयंती देखिए। वैसे तो 4 वीक्स हाउसफुल चली रही है जयंती, पर फिर भी इसको और रिस्पांस दीजिए। और आज के बारे इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमसे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आपसे हुई। और नागपुर के जो कलाकारों को आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रमोट किया है वो भी हम सभी नागपुरकरों के लिए एक प्राउड फीलिंग है। जयंती हमारे लिए प्राउड फीलिंग है जिस तरीके से वो चल रही है, हाउसफुल शोज चल रहे हैं, हर किसी को पसंद आ रही है। लोकांचा हक्काचा सण जैसा कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग सच में जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपको और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आपको। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हमारे खास मुलाकात शो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार। थैंक यू।